हेलो फ्रेंड्स, हेलो मदर्स, हाउ आर यू। हमारा बच्चा घर पे बोलता है पर बाहर नहीं बोलता है, अच्छे से नहीं बोलता है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर बच्चे के पास स्पीच है और बच्चा सिंगल वर्ड बोलना चाहता है पर अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो उसको हम बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक करके सिखाइए। वर्ड को ब्रेक करके बोलिएगा, बच्चे को अच्छे से समझ आएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बच्चे को कहना है फ़ैन कहाँ पर है, वो ऊपर उंगली कर रहा है और आपने उसको बोलना सिखाना है ऊपर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के आगे आपने अपना मुंह बनाना है। बच्चे को आपने पूछा फ़ैन कहाँ है, उसे पता है कि फ़ैन कहाँ है, लेकिन वो ऊपर नहीं बोल पा रहा है। ऊपर बोलना सिखाना है, मुश्किल लग रहा है, नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा? देखिए, आप उसको बोलिए ऊपर, आपने पर ऊपर इसलिए किया ताकि उसको समझ आए कि ऊपर, आपने ऊ पर। एक तरीका ये भी है, अगर बच्चा प और र को कंबाइन कर सकता है तो आप उसको ऊ पर करके बोल के सिखाइए। नहीं कर रहा, दूसरी ट्रिक उसे बोलिए, अगर उसको वर्ड्स आते हैं सिंगल सिंगल, तो उसे सिंगल सिंगल वर्ड से सिखाइए। पहले बोलो ऊ, वो बोलेगा ऊ प र, ऊ प र, सिंगल सिंगल बोलना सिखाइए, ऊ प र, इतना बोलिए दो तीन दिन, ऊ प र। फिर धीरे धीरे आप देखिएगा, कंबाइन करके बोलिएगा, आप बोलिएगा ऊ बोल पर, ऊ पर वो बोलेगा, अगर वो ऊ के बाद ऊ आप बोल रहे हैं, प भी कर रहा है, तो र आप कर दीजिए। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर वो एक सिंगल कुछ वर्ड पकड़ रहा है ना बीच में से, तो दूसरे आपने जोड़ देने हैं और उसको कहना है गुड जॉब। वो मोटिवेट हो जाएगा कि मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, हल्का मोटा बोला, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वाह मम्मा ने तो गुड जॉब बोल दिया। इस तरीके से, इन ट्रिक्स के साथ बच्चा वर्ड को पकड़ सकता है। दो तीन तरीके से ब्रेक करके सिखा सकते हैं। पहला अक्षर आप बोलिए, लास्ट का बच्चा बोलेगा, या बच्चे को एक एक सिंगल वर्ड बोलिए ऊ प र, पीछे पीछे रिपीट करवाते रहिए कुछ दिन, ऊपर ऊपर। आप देखिएगा बच्चे का आई कॉन्टेक्ट अच्छा है, इमिटेशन अच्छी है, बच्चे के पास स्पीच है, ब्लोइंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो बोल देगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे को अगर स्पीच आई है तो देखिए, 3 से 4 साल हमारे बच्चे नहीं बोले हैं, बहुत धीरे बोलने लगे हैं, अभी बोलने लगे हैं, धीमा भी बोलते होंगे, बोलना भी नहीं आता, कैसे बोलने और बोलना भी चाहते हैं, तो ये तरीके हमें खुद निकालने पड़ेंगे। ब्रेक कर करके सिखाइए, टाइम लगेगा, जब उनके दिमाग में बैठ जाएगा, 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो डेफिनेटली बोलेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।